हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह का कोर्स है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसकी फ़ी स्ट्रक्चर कितना होता है और उसके लिए एलिजिबिलिटी कैसी चाहिए एंड सो ऑन। तो हम स्टार्ट करते हैं बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। तो इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि एक ये फूड से रिलेटेड सब्जेक्ट है, आई मीन कोर्स होगा, और ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यूजी यू कैन से, और ये 4 साल के लिए हमें करना होता है। इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, पर ईयर 2 सेमेस्टर्स होंगे। जो आपका फर्स्ट 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, देन आपका कंप्यूटर्स हो गया एंड वैसे इलेक्ट्रिकल हो गया एंड सो ऑन, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में। फिर आपका जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसी से स्टार्ट होती है आपकी मेन फूड की जो स्टडीज़ होती है, जिसमें आपके वेरियस सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, न्यूट्रिशन, बेवरेजेस एंड ऑल, ठीक है। फिर जो आपका 8 सेमेस्टर आता है, लास्ट सेमेस्टर, ये होता है आपका 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड, जिसमें आप किसी इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग लेते हो, जैसे कि आपकी कोई भी कंपनीज हो, MNCs हो गई, या कोई भी कंपनीज होगी जो बेवरेज बनाती है, या जो कोई भी फूड स्वीट्स बनाती, प्रोडक्ट्स बनाती, जैसे कि आपकी है कैडबरी है, देन आपकी नेस्ले है, काफ़ी लोग वेरका में भी ट्रेनिंग करते हैं। और इसकी एंड में आपको यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज में आके इसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी, और लास्ट सेमेस्टर में आपका इसी ट्रेनिंग के बेसिस पे मार्क्स लगते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर। तो जो फ़ी स्ट्रक्चर है इट विल कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन लिया है। अगर तो जो आपका कॉलेज है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट कॉलेज है, तो फ़ी आपको पता ही है गवर्नमेंट कॉलेजेस की कम होती है, इट मे बी लाइक 35,000 to 40,000 तक हो जाएगी अगर गवर्नमेंट है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट या कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो इट विल बी अबव 50,000 एंड इट मे रेंज अप टू 1 लाख। और ये फ़ी स्ट्रक्चर सिर्फ जो आपका ट्यूशन फ़ी होता है उस तक का है। जो आपका रहने का जो फ़ीस होगा, जो भी आपका हॉस्टल फ़ी होगी वो सेपरेट है, इसमें नहीं आता, ठीक है। सो हाँ, बस इतना। फिर उसके लिए एलिजिबिलिटी आपको कैसी चाहिए, तो ये तो पता ही है सबको कि 12th पास होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, या तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो। ये काफ़ी लोगों को डाउट है कि जो फूड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है वो कौन से स्टूडेंट्स ले सकते हैं, जिन्होंने 12th में बायोलॉजी पढ़ा है या जिन्होंने 12th में मैथ्स पढ़ा है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस कोर्स को बोथ जो PCM और PCB वाले हैं वो दोनों ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मिनिमम एग्रीगेट रिक्वायर्ड कितना है, तो इट इज़ 50%, और ये मेजॉरिटी ऑफ द या यू कैन से कि एवरी जो भी कोर्स है उसके लिए यही एक क्राइटेरिया होता है, मिनिमम एग्रीगेट रिक्वायर्ड जो है। द नेक्स्ट काम इज़ एडमिशन प्रोसेस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो एडमिशन प्रोसेस जो है या तो होगा आपका नेशनल लेवल जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके बेस्ड पे, या तो होगा स्टेट की जो एंट्रेंसेस होती है। तो नेशनल लेवल में आपके कौन से आ जाते हैं, जैसे होता है आपका JEE मेन्स, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको IITs और NITs मिलती हैं, राइट, या उसके बाद भी जो कॉलेजेस होते हैं वो। और जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट में क्या होता है, जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें आप, अगर आपके स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि एडमिशन कैसे होती है। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे जो एडमिशन है वो प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट है। मेरिट जो आपके 12th में जितने मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे है, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आपके जेई मेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर आईआईटी खड़गपुर, देन एनआईटी राउरकेला, देन जादवपुर यूनिवर्सिटी, CFTIR, राइट, ये सब जगह पे आप एडमिशन्स ले सकते हैं। देन कम्स योर जॉब ऑप्शंस क्या क्या हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद। सो पहला तो आप, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप एक फ़ूड इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। आप किसी भी MNC में एज अ प्रोडक्शन मैनेजर रिक्रूट हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप फूड प्रोसेसिंग इंजीनियर भी बन सकते हो, न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, या आप अपना क्लिनिक भी चला सकते हो इस चीज़ को लेकर। फूड स्टोरेज मैनेजर, राइट, फूड स्टोरेज मैनेजर जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उसमें ज़्यादातर इसकी सीट्स निकलती हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। दैन फूड एग्जीक्यूटिव एंड एनालिटिकल साइंटिस्ट, आई गेस ये होगा, यस। तो ये आपका सारा एक शॉर्ट में समरी है आपके बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। जिसको भी डाउट है वो इसके गो थ्रू कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा जो आपको बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, जो आपको बुक्स अपने सब्जेक्ट्स के लिए आप पढ़ सकते हो, दिस इज़ द बुक आई हैव इट, दिस इज़ Foods Facts and Principles by, you can see it is N. शकुंतला माने, right? ये एक ऐसी बुक है जिसमें सारी फूड टेक्नोलॉजी का बेसिक्स जो है वो दे रखा है। आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे जो बेसिक होता है हर चीज़ का। और आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको बेसिक्स ही आते हैं मेजॉरिटी ऑफ एग्ज़ाम्स में। सो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे दिखती है। तो आगे भी मैं आपको कुछ बुक्स दिखाऊंगी जो आपकी फूड साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ जो ये इम्पॉर्टेंट बुक है शकुंतला माने की, इसके चैप्टर्स हम अच्छे से रिव्यू करेंगे, थरोली इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस चैनल में। प्लीज़ अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।